कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। अम्मा बार निकाह कर दिया मैंने आपका, मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब के लड़के अरबाज कुरैशी में सात दिन में है 51 रुपये सिक्का है जो मोहजद सामने वकील गवा के आपने इनको निकाह में कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। अम्मा बार निकाह कर दिया मैंने आपका, मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब के लड़के अरबाज कुरैशी के सात दिन में है 51 रुपये सिक्का है जो मोहजद सामने वकील गवाओं के आपने इनको निकाह में कबूल किया? भारत का दुल्हा, पाकिस्तानी दुल्हन और ऑनलाइन निकाह। दरअसल ये नज़ारा राजस्थान के जोधपुर का है, जहां जोधपुर के अरबाज ने पाकिस्तान की अमीना से ऑनलाइन निकाह किया। बकायदा इस दौरान दोनों के परिजन और रिश्तेदार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दरअसल जोधपुर में रहने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अफजल के छोटे बेटे अरबाज ने पाकिस्तानी अमीना से ऑनलाइन शादी की। दोनों ने बुधवार की रात पूरे रस्मों रिवाज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शादी रचाई। इस दौरान भारत और पाकिस्तान में बैठे काजी ने निकाहनामा पढ़ाया। किस तरीके से मिले? हमारा क्या है, हमारे पाकिस्तान में रिलेटिव्स रहते हैं, तो हमारी अरेंज मैरिज ही है, तो रिलेटिव्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था हमारी शादी करने का, तो इसलिए हमारी शादी हो गई थी। सब कम खर्च में आजकल मतलब ऑनलाइन एक माध्यम भी कह सकते हैं, क्योंकि शादी निकाह करने के लिए काफ़ी लोगों को पहले बुलाते थे, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ये कम खर्च के लिए या ऐसे, वो क्या है इंडिया पाकिस्तान के अभी कुछ हालात सही नहीं चल रहे हैं, तो वीज़ा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आने में दिक्कत होती है, इसीलिए करवा रहे थे ऑनलाइन शादी के इंडिया की शादी हो जाए, ऑनलाइन शादी इसलिए करा दी वो जल्दी आ जाए के इंडिया की शादी हो जाए और निकाह नामे के थ्रू वो उनका वीज़ा भी लग जाए, इसीलिए के इंडिया की शादी करवा दी है, तो पाकिस्तान जाए फिर उनका वहाँ पर शादी होती है मान्य नहीं होती है, तो इसलिए इंडिया वापस आके वापस शादी करनी पड़ती है, और वीज़ा मिलने में दिक्कत रहती है, इसीलिए यहाँ क्या है कि इंडिया में शादी कराइए ऑनलाइन हो जाती है, तो चार विटनेस भी साथ में रहते हैं तो विटनेस भी बता सकते हैं कि हाँ इंडिया की शादी है। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं तो अभी एडिटिंग का काम कर रहा हूँ BTP में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। इस निकाह के दौरान दुल्हा और दुल्हन साइड के परिजन और रिश्तेदार भी शरीक हुए। बकायदा जोधपुर में दुल्हे के रिश्तेदारों को LED पर पूरी शादी दिखाई गई। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर ने नोएडा में सचिन से शादी की थी, जिसके लिए सीमा अवैध रूप से भारत आ गई थी। बहरहाल दुल्हे अरबाज के पिता अफजल ने कहा कि अब निकाह हो गया है, जल्दी हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा मिल जाएगा तो पाकिस्तान से दुल्हन घर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस शादी से हमारा पूरा परिवार खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।